हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से एक इम्पोर्टेंट नोटिस फिर से आ चुका है। दोस्तों, इसके पिछले ही वीडियो मैंने बता दिया था FY के जितने भी स्ट्रीम के बच्चे उनका एग्जाम टाइम टेबल बता चुका था। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को SY के जो बच्चे SY BCom और SY BA के जो स्टूडेंट है इनका टाइम टेबल अनाउंस करने जा रहा हूँ। इनका टाइम टेबल क्या है, कौन से तारीख से कब तक चालू होने वाला, सब बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में जरूर शेयर करें क्योंकि उन्हें भी ये टाइम टेबल पता चले। ठीक है दोस्तों, तो ये जो चालू होने वाला है दोस्तों FY BCom का जो एग्जाम है 18 मार्च से चालू होने वाला है दोस्तों। और ये जो एग्जाम दोस्तों खत्म होने वाला है, ये एग्जाम आपका खत्म होने वाला है 28 मार्च को। टाइमिंग जो है दोस्तों ये सेम रहने वाला है, 3 बजे से लेके 6 बजे तक का आपका टाइमिंग रहने वाला है। आपका कोर्स कोड आप देख सकते हो कि आपका कौन सा कोड है, पेपर का क्या है, वो आप इधर से देख सकते हो। दोस्तों, मैं डायरेक्ट आपको सब्जेक्ट और तारीख बताने वाला हूँ। 18 तारीख को दोस्तों आपका एग्जाम जो चालू होने वाला, सबसे फर्स्ट पेपर होगा आपका फाउंडेशन कोर्स, फिर आपको गैप दिया गया है। उसके बाद 20 तारीख को आपका एग्जाम होगा फाइनेंस, अपना अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट का। 21 मार्च को दोस्तों आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। अगर आप फाइनेंस अकाउंटिंग के फील्ड से हो तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रहेगा, अगर बिजनेस मैनेजमेंट के फील्ड से हो तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का रहेगा। फिर एक दिन का आपको हॉलीडे दिया गया है। 23 मार्च को दोस्तों आपका कॉमर्स का पेपर रहेगा, 24 को बिजनेस इकोनॉमिक्स का रहेगा, 25 को दोस्तों आपका एडवर्टाइजिंग एंड कंपनी सेक्रेटरी का रहने वाला है। 27 फिर से आपको इधर हॉलीडे दिया गया है, 27 को आपको बिजनेस लॉ का एग्जाम रहने वाला है, 28 को दोस्तों आपका कॉमर्स का एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों ये आपका टाइम टेबल है। कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दोस्तों इधर आप लोगों के लिए दिया गया है कि आप 15 मिनट पहले आपके एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना है, 10 मिनट पहले आपको पेपर दे दिया जाएगा। ये सब है, कुछ मोबाइल वोबाइल अवॉइड करना है, स्मोकिंग नहीं कर सकते, जो भी नोटिस है वो आपके बोर्ड पे जल्द से जल्द आ जाएगा। कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आएगा दोस्तों मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से तो मेरे ये चैनल पे आपको अपडेट मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो दोस्तों आप वो कर दीजिए क्योंकि मेरे तरफ से आपको वो अपडेट दे दिया जाएगा। साथ ही साथ अब बात करते हैं SY BA स्टूडेंट की। दोस्तों SY BA का भी एग्जाम जो टाइम टेबल है दोस्तों 18 मार्च से चालू होने वाला है और इनका जो एग्जाम खत्म होने वाला है दोस्तों वो तारीख है 27, इनका 27 को, नहीं सॉरी दोस्तों 28 को इनका भी लास्ट एग्जाम होने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या क्या सब्जेक्ट है और किसका क्या क्या एग्जाम होने वाला है। तो SY BA का दोस्तों जो एग्जाम चालू होने वाला है 18 तारीख से, फर्स्ट पेपर इनका भी फाउंडेशन कोर्स है। 20 मार्च को दोस्तों इनका बिजनेस कम्युनिकेशन एडवर्टाइजिंग एंड जर्नलिज्म का पेपर है। 21 मार्च को दोस्तों आप इधर सब्जेक्ट देख सकते हैं आपका इकोनॉमिक्स, एजुकेशन का इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मराठी, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल, साइकोलॉजी का, रूरल डेवलपमेंट एंड सोशियोलॉजी का आपका पेपर है। आप इधर आपका सब्जेक्ट कोड देख लीजिए, आपके सब्जेक्ट कोड से आपको पता चल जाएगा कि कौन से तारीख का आपको कौन सा पेपर होने वाला है। दोस्तों सेम 23 के लिए आपके पास ये देख सकते हैं आपका ये सब सब्जेक्ट्स है। ठीक है, मैं वीडियो का आप पूछ करके भी देख सकते हो क्योंकि ऊपर के जो भी है वही सब्जेक्ट दोहराया गया है, सिर्फ रूरल डेवलपमेंट पेपर इधर आ चुका है। 24 को भी दोस्तों आपके ये सब पेपर्स है, लैंग्वेज पेपर्स आपके होने वाले हैं, कहीं कहीं इंग्लिश है, एजुकेशन का है इंग्लिश है, ठीक है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, मराठी है, ये दोस्तों आप देख सकते हो ये सब आपके पेपर है। देन उसके बाद दोस्तों आपका 25 मार्च को भी दोस्तों ये आपके सब पेपर्स होने वाले हैं। आपको ये चीजों का ध्यान देना है, आपके हॉल टिकट में ये नंबर्स आए होंगे, उस नंबर के हिसाब से उस तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है। 27 के दिन भी दोस्तों ये आपका टाइम टेबल है, आप वीडियो को पूछ करके भी देख सकते हो। लास्ट जो आपका एग्जाम होने वाला है वो है 28 को आपके एग्जाम का ये पूरा टाइम टेबल होने वाला है। टाइमिंग 3 to 6 फिक्स है आप लोगों का। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों मैं फिर से यही कहूंगा कि वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से हर इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि उधर ये सब के लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप वहां से भी अपडेट अपने देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।